बढ़ैया पटना शहर से 117 किलोमीटर और समुतल से 81 मीटर की ऊंचाई पर बिहार के दक्षिण भाग में स्थित मुंगेर जैसे नामी ग्रामीण प्रशासनिक मंडल का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली शहर है, जिसे छोटी अयोध्या और रसगुल्ले की नगरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही बढ़ैया है जहाँ का रसगुल्ला पूरे बिहार में मशहूर है, जो कई दशकों से अपनी लजीज मिठाई के लिए काफी मशहूर है। इसलिए जब कभी भी बढ़ैया आए तो यहाँ का रसगुल्ला एक बार जरूर खाएं। बढ़ैया शहर जनसंख्या के हिसाब से बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, बिहार, लखीसराय, जमालपुर, गोगरी, जमुई, शेखपुरा, बरौडी, बरबीघा, बलिया, देघरा, बखरी और सूर्यगढ़ शहर के बाद मुंगेर प्रशासनिक मंडल का 16वां सबसे बड़ा, लखीसराय जिला का 3रा सबसे बड़ा और बिहार के 88 बड़े शहरों के लिस्ट में शामिल है, जो देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1105 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पे स्थित है। बढ़ैया दक्षिण बिहार के लखीसराय जिला का एक प्रखंड, एक अंचल और साथ में एक नगर परिषद के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बढ़ैया शहर मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत और लखीसराय विधानसभा के अंतर्गत आता है। बढ़ैया गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित बिहार का एक छोटा शहर है, जो अपने दूध उत्पादन के लिए और चने की खेती के लिए काफी मशहूर है, जहाँ से नेशनल हाईवे संख्या 33 गुजरती है। और बढ़ैया हावड़ा दिल्ली रेल लाइन पर और आसनसोल पटना लाइन पर स्थित है, जो भारत के विभिन्न शहरों को जोड़ने का काम करती है। बढ़ैया साल 2022 से पहले एक नगर पंचायत हुआ करता था, जिसमें कुल मिलाकर 24 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब साल 2022 पे बढ़ैया को नगर पंचायत से एक नगर परिषद पे गठन किया गया है। बढ़ैया नगर परिषद पे कुल मिलाकर 26 वार्ड शामिल है। इस नगर परिषद को 26 वार्डों पे बांटा गया है। इन सभी के अलावा बढ़ैया शहर के कई सारे रोचक और धमाकेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है, इसलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जो देखना और बिना देर किए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों उस्तारों के साथ शेयर जो करना, ताकि यह इन्फॉर्मेशन हर बढ़ैया शहर के गली मोहल्ले तक पहुंच सके। जब बात हो बढ़ैया की, तो हम यहाँ के माँ जगदम्बा मंदिर को कैसे भूल सकती हैं, जिसे माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ भक्तों की हर मुरादें पूरी होती है। इसी वजह से यहाँ का जगदम्बा मंदिर बढ़ैया और आसपास के इलाके पे सबसे पॉपुलर मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहाँ हर दिन आसपास के इलाके से कई सारे भक्त माँ जगदम्बा मंदिर का दर्शन करने आते हैं, जो बढ़ैया शहर से महज 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए जब कभी भी बढ़ैया आए तो यहाँ के माँ जगदम्बा मंदिर का दर्शन एक बार जरूर करने जाएं, क्योंकि जितना देवघर का वैद्यनाथ धाम मंदिर, पटना का हनुमान मंदिर और बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर मशहूर है, उतना ही बढ़ैया का जगदम्बा मंदिर भी मशहूर है। इन सभी के अलावा यहाँ पर कई सारे ठाकुरवाड़ी मंदिर भी स्थित है, जो कई वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन है तो आप लखीसराय के राज सिनेमा में जाकर नई नई फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। बढ़ैया भारत का हिंदू मेजोरिटी वाला शहर है, जहाँ पर शहर की आबादी का 97% आबादी हिंदू धर्म और 2.5% आबादी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। साल 2023 के डेटा के अनुसार बढ़ैया शहर की पॉपुलेशन लगभग 57,000 के करीब है, जहाँ रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 9,150 है, यानी कि बढ़ैया शहर पे साल 2023 के अनुसार कुल मिलाकर 9,150 घर है, जो हर एक परिवार पे औसतन 5 से 6 लोग रहते हैं। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार बढ़ैया शहर की पॉपुलेशन 43,000 के करीब है। बढ़ैया में
आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि, छोटे व्यवसाय, घरेलू उद्योग, पशुपालन और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा बलिया शहर पे कई सारे शोरूम, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और छोटे छोटे शॉप स्थित है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। बढ़िया पे काम करने वाले वर्कर की संख्या यहाँ की आबादी के अनुसार 15,500 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 15,500 वर्कर पे मजदूर, किसान, सरकारी नौकरी करने वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले भी शामिल है। बढ़िया शहर की साक्षरता दर लगभग 62% है और लिंग अनुपात 886 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 886 महिला है। और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू के अलावा मैथिली और अंगिका भाषा भी बोली जाती है।